मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कासगंज जेल में बंद मऊ विधायक और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने बुधवार की शाम पैतृक आवास यूसुफपुर फाटक पहुंचने के बाद कालीबाग कब्रिस्तान में पहुंचकर पिता की कब्र पर चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ा था। इसके बाद आवास पर आयोजित कुरान खानी में भाग लिया। परिवार के लोगों के साथ रोजा इफ्तार किया, लेकिन ईद की नमाज अपने परिवार के साथ नहीं पढ़ पाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कासगंज से गाजीपुर लाया गया था। मंगलवार की रात 7:45 बजे कासगंज जेल से चलकर अब्बास अंसारी बुधवार की सुबह 9 बजे पहुंचा। करीब 13 घंटे की यात्रा के बाद वो गाजीपुर पहुंचा था। बताया गया कि पहले अब्बास अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ा, फिर अपने घर पर कुरान खानी में भाग लिया, परिवार के लोगों के साथ रोजा इफ्तार किया। देर रात वो गाजीपुर लौट गया और सुबह में ईद की नमाज जेल में ही पढ़ी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर ईद की नमाज अब्बास को जेल से बाहर पढ़ने की इजाजत दी जाती तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता था। इस मामले को लेकर अब्बास के चाचा और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने भी बयान दिया। अब्बास के जिला जेल में पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। सुबह 9 बजे से करीब शाम 4 बजे तक उसे जिला जेल के बैरक नंबर 10 में रखा गया। शहर कोतवाल जेल पर सुरक्षा में तैनात रहे। शाम करीब 4 बजे वो मोहम्मदाबाद के लिए रवाना हुआ। सबसे पहले यूसुफपुर फाटक अपने आवास पर पहुंचा। यहां परिजन से मिलने के बाद कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचा। अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के कब्र पर फातिहा पढ़ने के साथ चादर चढ़ाया। इस दौरान मोहम्मदाबाद नगर में जगह जगह भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। कालीबाग कब्रिस्तान स्थल पर सिर्फ पुलिस के जवान थे, अंदर किसी दूसरे को जाने की इजाजत नहीं थी। फातिहा पढ़ने के बाद अब्बास को प्रिजन व्हीकल से ही जिला जेल ले जाया गया। मामले को मुख्तार अंसारी के भाई और सपा नेता अफजाल अंसारी ने भी बयान दिया था। सुनिए कल उन्होंने क्या कहा था। कल ही निवेदन कर लिया था, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद साहब जब आए थे पुलिस अधीक्षक महोदय के एक पत्र को लेकर, तो हमने उनको बता दिया था कि 11 तारीख को नमाज जो होगी ईद की, तो वो तो क्योंकि वो कारागार में है उचित होगा कि वहीं पे उनको नमाज पढ़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ लाके फिर ईदगाह में नमाज पढ़ाना व्यवधान बहुत होगा, हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ नमाज पढ़ा लीजिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर जब आप कुछ समझिएगा लेके परिवार में आइएगा। कल साल भर का वो त्योहार है और पहली ऐसी ईद है जब मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है, तो उस परिवार में उस गम के माहौल में जो लोग आएंगे शिरकत करेंगे उनके लिए पुरसा देंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के क्रम में इन 3 दिनों के लिए अब्बास को अपने परिजनों से मिलने का, पहले दिन तो फातिहे में सम्मिलित होने का, बाकी दोनों दिनों में एक दिन ईद की तकरीब और तीजे की जो 13वें दिन का तीजा है उसकी तकरीब, उसमें उनको शिरकत करने के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अगर किसी तरह से तोड़ने मरोड़ने समझने समझाने में कुछ तो अधिकारी गण खुद कुछ समझ लेते हैं, कुछ आप लोग समझा देते हैं, जितना अच्छा वकील नहीं समझेगा कोर्ट का आदेश उतना अच्छा तो कई पत्रकार बंधु ही समझ ले रहे हैं, तो उसको समझाइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका न दिया जाए। बता दें अब्बास अंसारी को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया, यहां से 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल के लिए वापस भेजा जाएगा। जेल में सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी की जा रही है।